बागपत में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर ओवरलोड वाहन प्रतिबंध हैं, लेकिन एनएचएआई के कर्मचारियों द्वारा इन ओवरलोड वाहनों से सेटिंग ऐसी की गई है कि एक्सप्रेसवे पर केवल ओवरलोड वाहन ही दौड़ते हैं, टोल पर भी उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। खुलेआम वह ओवरलोड वाहन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर देखे जा सकते हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं एक ओवरलोड वाहन खड़ा है जो डस्ट से भरा हुआ है। शिकायतों के बाद भी और प्रतिबंध होने के बाद भी ना तो एनएचआई इस पर कदम उठाता है और ना ही स्थानीय प्रशासन। देखने वाली बात यह होगी कि परिवहन विभाग द्वारा कई बार आदेश देने के बाद भी आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर ओवरलोड वाहन रोकने के लिए कैबिन बनाया गया है, यहाँ पर व्यक्ति की ड्यूटी भी लगाई गई है, लेकिन आलम देखिए, ताला यहाँ पर ताला लगा हुआ है, अंदर कंप्यूटर भी मौजूद है, कैबिन भी मौजूद है और साथ में सामने यहाँ पर ओवरलोड वाहनों का वेट करने के लिए कांटा भी लगाया गया है, लेकिन ओवरलोड वाहनों पर यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है। ईस्टर्न फेरेल एक्सप्रेस पर मौजूद कर्मचारी न तो टोल पर ओवरलोड वाहनों को रोकते हैं और न ही उनके खिलाफ कोई कदम उठाते हैं।